गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो सेक्युलेंट्स हैं मैंने 2 मंथ पहले ही लिए थे और ये अब काफ़ी अच्छे से सेटल हो गए हैं, तो इनके ख़राब होने की टेंशन थोड़ी कम हो गई है। इसमें छोटे छोटे पिटूनिया के प्लांट्स उगे हैं, तो मैं फ़िलहाल इन्हें नहीं छेड़ूंगी और जब ये बड़े हो जाएंगे तो कहीं और मैं इन्हें शिफ्ट कर दूंगी। देखने में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब ये अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, तो इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये रूबी नेकलेस है और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और ये भी काफ़ी अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। तो जो भी हैंगिंग वाले सर्कुलेंट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है और मुझे सर्कुलेंट्स आपको पता है इसीलिए पसंद है कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और देखने में अच्छे होते हैं। तो देखिए अभी 2 मंथ ही हुए हैं और इसमें बेबी बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जब मार्च या अप्रैल में ये अच्छे से हो गए होंगे ग्रो, तो फिर हम इसे कट करके कहीं और भी लगा सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ वापस अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है सैक्यूलेंट्स पे बग्स अटैक, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत बार आपको अपने सैक्यूलेंट्स में देखने को भी मिल सकता है। तो ये बग्स काफ़ी छोटे छोटे कलर के होते हैं, कभी वाइट या फिर कभी ब्लैक। तो अभी ये जो है ये ब्लैक कलर के हैं और बहुत ही तेज़ी से ये फैलते जा रहे हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। और ये जो बग्स होते हैं, जितनी जल्दी ये फैलते हैं उतनी जल्दी ये प्लांट की एनर्जी को भी ख़त्म कर देते हैं, प्लांट को एकदम से ख़त्म कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा। बाकी ये जो लीव्स की हालत आप लोग देख रहे हो, मतलब जी थोड़े बर्न से लग रहे हैं और ये हुआ है तेज़ धूप के कारण, क्योंकि सर्दियों की जो तेज़ धूप होती है वो बहुत जल्दी ही प्लांट को ख़राब कर देती है। और ये मेरे हाथों में भी बग्स आने स्टार्ट हो गए और ये पूरे पॉट में फैले हुए हैं। तो फिलहाल हम अपने DIY से इसे क्योर करने की कोशिश करेंगे। जो ये बग्स हैं पूरे प्लांट के अंदर तक घुसे हुए हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बग्स अटैक हो प्लांट्स में, तो उन्हें दूसरे प्लांट्स सेम के साथ नहीं रखना है, उन्हें अलग रखना है, अदरवाइज आपके सारे प्लांट ही खराब हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अब बताती हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। तो मेरे पास एक कॉलिन की जो है पुरानी बॉटल है, तो उसमें मैं लगा रही हूँ विम लिक्विड। आप लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकती हो, तो मेरे पास तो है अभी फ़िलहाल डिश वॉशिंग जेल, तो मैं अभी फ़िलहाल इसका यूज़ करूँगी। आपको इसमें लेना है 1 स्पून जितना विम जेल और अभी फ़िलहाल मैं इसको निकालती हूँ। ये करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नया स्प्रे बॉटल लेना है या कुछ भी, जैसे ही होता है कि कॉलिन वगैरह की बॉटल्स पड़े होते हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाता है और आपके थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे। तो ये अब हो गया है और हम इसे कर देंगे बंद। अभी अच्छे से इसको बंद करते हैं। ये हो गया और इसे अच्छे से शेक करना है, इसके मतलब कि जो ये डिटर्जेंट है इसमें अच्छे से ये घुल जाना चाहिए और ये इस तरह से दिखेगा। तो इसके बाद हम इस प्लांट को अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, मतलब कि हर लीफ के नीचे इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे। पहले मैं इस पॉट में भी कर देती हूँ, ये बग्स पॉट में भी फैले हुए हैं। अच्छे से इसे स्प्रे करना है पूरे प्लांट में
और उसके बाद आपको इसे रखना है, मतलब पार्शियल शेड में, थोड़ी बहुत धूप भी लगनी चाहिए इसको, अदरवाइज आपका पौधा गल भी सकता है ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैकुलेंट्स को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो जो ये स्प्रे है आपको 2-3 दिन के बाद अगेन रिपीट करना है, क्योंकि कंटिन्यू जब करोगे आप तो ये मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो ये मेरे हाथों में बग्स पूरी तरह से चिपके हुए हैं, तो अब ये हो गया है और इन प्लांट्स को रखेंगे हम अलग, क्योंकि इसमें जो बग्स है वो पूरे आपके पूरे प्लांट्स को ख़राब कर सकता है, तो इन्हें जो दूसरे प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा अलग रखना है। तो रिपीट करते रहना है 2-3 दिन के बाद, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और ये जो बचा हुआ है लिक्विड, तो इसे आपने कहीं शेड में रख देना है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए भी चल पड़ेगा, मतलब जब आपको दोबारा स्प्रे करना होगा। तो ये मेरे स्टोन क्रॉप, सर्दियों की धूप लगी थी इसमें और ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये भी धूप से जल गया है, क्योंकि मैं गई थी कहीं और आते तक जो सर्दियों की तेज़ धूप थी उन्होंने इस सैकुलेंट के हाल खराब कर दिए। तो कोई नहीं, अपने आप को जल्दी ही रिपेयर कर लेगा। तो ये वैक्स आई हुई है और ये भी काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया है, और इसमें भी छोटी छोटी जो ब्रांचेज है वो आने स्टार्ट हो गई है। और वैक्स आई हुई का तो अपना ही शाइन होता है, मतलब ये सर्दियों में भी इसने अपना शाइन नहीं खोया है, तो अच्छे से चल रहा है ये भी। और ये मेरे स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स में भी फ्लावरिंग हो रही है। ये जो लीव्स की हालत हुई है ये कमाल है तेज़ धूप का, और मतलब जो तेज़ धूप थी उसने पूरी लीव्स को ख़राब कर दिया है। तो जब गर्मियाँ अगेन स्टार्ट होगी तो ये फिर से ठीक हो जाएंगे, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो सैकुलेंट्स का जो मेन प्रॉब्लम है वही है, ना ज़्यादा पानी, ना तेज़ धूप, और तीसरा बर्ड्स अटैक। तो फिलहाल के लिए अभी हमने उसे जो सैकुलेंट थे उसमें कर दिया है हमने स्प्रे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके लिए पेस्टिसाइड वगैरह, नीम ऑयल वगैरह होता है, तो मुझे इन छोटे छोटे पौधों में पेस्टिसाइड यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि वैसे ही वो इतने छोटे छोटे होते हैं और नाजुक से होते हैं, और उसमें इतनी तेज़ दवाई, मतलब पेस्टिसाइड। तो नीम ऑयल बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नीम ऑयल नहीं है, मेरे पास नीम ऑयल भी है पर वो एक्सपायरी हो गया, तो इसीलिए मैंने जो डिश वॉशिंग जेल है उसका यूज़ किया है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर टाइम आपके पास नीम ऑयल अवेलेबल हो तो उसके लिए। बट ऐसा है कि जब आप उसे स्प्रे करें तो एक बार उसे अच्छे से ड्राई होने दें, फिर जाके अगेन दूसरा स्प्रे करें, क्योंकि ज़्यादा नमी की वजह से ये पौधे एकदम से ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही, उम्मीद है कि ये जो DIY था कभी आप लोगों के काम आएगा। आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि जब आप लोगों के प्लांट्स में बर्ग अटैक होता है तो आप लोग क्या करते हो। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।